उत्तराखंड में जहरीली शराब से मातम पसर गया है। देहरादून में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि प्रदेश के महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने 3 लोगों की मरने की पुष्टि की है। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत के बाद देहरादून में कोहराम मच गया। गुस्साए लोगों ने स्थानीय विधायक के निवास का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना की जानकारी देते हुए प्रदेश के महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें शुक्रवार को सामने आई। उन्होंने कहा कि मरने वाले लोगों ने एक मोमोज और जूस की दुकान से शराब लेकर पी थी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच आबकारी विभाग के साथ पुलिस थाना कोतवाली कर रही है। महानिदेशक कानून व्यवस्था ने कहा कि अस्पताल में भर्ती लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती लोगों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम न्यूज़ बुकर।